सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई। हम पहला सवाल आपसे यही रखते हैं, आपने बीजेपी ज्वाइन किया तो इतने तगड़े फैसले मोदी जी ने, सबसे पहले मैं 370 के ऊपर आपकी ओपिनियन जानना चाहूँगा। 370 एक ऐसा मुद्दा था देश में जो माननीय प्रधानमंत्री नेहरू जी की सबसे बड़ी भूल थी, जिसका खमियाजा आज पूरा देश 42,000 लोगों की, जवानों की अर्थी उठा करके झेला है। और माननीय मोदी जी ने वो करके दिखाया है जिसकी देश को आशा थी और देश की बहुत से लोगों की आशा थी कि 370 ख़त्म हो। और आज देश का 370 ख़त्म होने के बाद कश्मीर का भी विकास होगा, कश्मीर के लोगों का विकास होगा और देश का जो मान है, सम्मान है, आज विश्व में ऊपर उठा है। 370 की बात करें तो यही सपना अटल जी भी देखते थे, आज उनकी पहली पुण्यतिथि है, इस पर आपकी क्या ओपिनियन है, क्या कहना है? मैं चाहूँगा जब कोई व्यक्ति सपना देखता है, अगर वो पूर्ण नहीं कर पाता है और वो कार्य पूर्ण होता है, तो आज माननीय प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी की आत्मा को बहुत ही शांति मिली होगी कि जो सपना उन्होंने देखा था आज वो उन्हीं की पार्टी के एक प्रधानमंत्री ने पूर्ण किया। ठीक है, आपने अभी बीजेपी ज्वाइन किया है तो आप किस तरह से समाज को लेकर चलेंगे, आपकी क्या धारणा, किस तरह से काम करेंगे लोगों के लिए? नहीं, मैं तो समाज के सर्व वर्ग को लेकर के, हमारी पार्टी का ही है सर्वजन विकास, तो सर्वजन के विकास में कोई भी मजाक या ये नहीं आता है। मगर जो भी व्यक्ति राष्ट्र के हित में काम करेगा, राष्ट्र समाज हित में काम करेगा, वो भाजपा का नहीं पूरे देश का अंग है। अगर कोई समाज विद्रोह करेगा या देश हित में या संस्कृति का विद्रोह करेगा, हम उस व्यक्ति को छोड़ने वाले नहीं हैं।